मंच ते सुशोभित सिख पंथ दियां बहुत ही सन्मानयोग हस्तियां ते अज दी सैशन दी प्रधानगी कर रहे बाबा हरनाम सिंह जी, श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी, सुरेंद्र मुनि जी, ज्ञानी बलवंत सिंह कोठा गुरु जी, साहब तेजा सिंह जी, ते साडे यूनिवर्सिटी तो ते बाहरों आए विद्वान सज्जन जिहड़े मंच ते सुशोभित ने, ते मेरे सामने बैठे समूह गुरु खालसा पंथ दीआं संप्रदावां नाल संबंधित रखण वाले स्रोतागण, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत लंबे समय तो मेरी ये निजी तौर पर इच्छा सी कि सिख संप्रदावां किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठियां होण। प्रमुख संप्रदावां की जे गल करिए तो तीन प्रमुख संप्रदावां ने साडे कोल, निर्मले ने, उदासी ने, सेवापंथी ने। बाबा तेजा सिंह जी बैठे ने, संत तेजा सिंह जी बैठे ने, इन्हां नाल लगातार अक्सर विचार वटांदरा हुंदा रहिंदा है, तो इन्हां नूं बेनती कीती सी कि ये कार्ज होना चाहिए है, तो इन्होंने दस्या कि जवद्दी कलां ये कार्ज हो रहा है। इस टकसाल दे उत्ते आउण दा पहलां भी मौका मिलता रहा है, संत बाबा सुच्चा सिंह दे समय लगातार आउंदे रहे हैं, हुण भी लगातार इस टकसाल दे विच कोई समागम हुंदा है तां आउण दा मौका मिलता रहिंदा है। बाबा सुच्चा सिंह जी लगातार ही यतन करते सन, ये कहिंदे सन अपनी स्टेजां तों, अपने विचारां विच गल करते सन कि यूनिवर्सिटियां दे प्रोफेसरां दे विच ते संगत दे विच एक दीवार है, इस टकसाल दा मनोरथ यही है कि उस दीवार नूं ढा दिता जावे, उस कार्ज नूं अगे लै के साढ़े मौजूदा इस टकसाल दे मुखी ज्ञानी अमीर सिंह जी कार्ज कर रहे ने, इस करके वो वधाई दे पात्र ने। ये संप्रदावां साडियां तीन प्रमुख संप्रदावां ने, बड़ा वड्डा योगदान है, बड़ी वड्डी घालणा है सिख समाज नूं अगे लिजाण दे विच, नवीआं परंपरावां स्थापित करन दे विच, नवें कीर्तिमान स्थापित करन दे विच, सेवा दे संदर्भ दे विच, साहित्य संदर्भ दे विच, ते उस नूं सामने रख के अज दा ये विशा चुणिया गया है। असी यूनिवर्सिटियां दे विच बैठे हाँ, तो यूनिवर्सिटियां दे सिलेबस दे विच ये तिन्ने संप्रदावां दा अध्ययन किसी न किसी रूप दे विच चल रहा है। इस अध्ययन दे नाल खोज कार्यां दे विच, PhD दे खोज कार्यां दे विच भी लगातार इन्हां संप्रदावां दा जिक्र किते ना किते हुंदा रहिंदा है, ते इस करके समूह विद्यार्थी ने जिहड़े साडे यूनिवर्सिटियां दे विच बैठे ने जां यूनिवर्सिटियां तों बाहर बैठे ने, जिहड़े संप्रदावां दा अध्ययन करदे ने, उन्हां दी इच्छा बनी रहिंदी है कि इन्हां संप्रदावां बारे होर वधेरे जानण दा मौका मिले, क्योंकि यूनिवर्सिटियां दे विच जिहड़ी गल हुंदी है उह यूनिवर्सिटियां तक ही सीमित रह जाती है, बाहर नहीं आती, तो इस तरह के उपराले ने जोड़े वो दीवार ने जी वो तोड़ते हैं, वो दीवार को खत्म करते हैं, तो जोड़ा ज्ञान यूनिवर्सिटियां दे विच पिया है जो कुछ उसे खोज कार्ज हो रहे हैं उसको संगत तक लिया का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। उदासी संप्रदा सब तो पुरानी संप्रदा है साढ़े सामने, बाबा श्री चंद की कंट्रीब्यूशन उन्होंने देन अज तक कोई ना भुला सकया तो ना भुला सकता। गुरु साहिबान के जीवन काल में जिस तरह के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बाबा श्री चंद ने, उसका पहला जिक्र डॉक्टर सुखदयाल सिंह जी ने भी किया है, बहुत विस्तार नाल अध्ययन करते हैं प्रोफेसर सुखदयाल सिंह। एक घटना मैनूं याद आती है जिहड़ी बाबा श्री चंद के हवाले नाल है, वो ये है कि गोविंदवाल साहब जदों चौथे पातशाह ज्योतिए समाए तो उत्थे जिहड़े चौथे पातशाह की समाप्ति उपरंत जिहड़ी गुरगद्दी की रस्म करनी सी, तां उदों ये झगड़ा पै गया कि असल गुरु जिहड़ा कौन है, पृथ्वी चंद वड्डा होण करके ये यतन कर रहा सी कि मैं गुरु बणा। तां केसर सिंह छिब्बड़ की एक गवाही है साडे कोल उत्थे कि बाबा श्री चंद ने किस तरह की भूमिका निभाई उस झगड़ा खत्म करन लई। हुण साडे जो समाज दे विच साडे भाईचारे दे विच जिहड़ी गल है, जदों कोई चढ़ाई कर जांदा व्यक्ति तो वो वड्डे पुत्तर नूं दस्तार दित्ती जांदी है, जिम्मेवारी दित्ती जांदी है, दस्तार तो बहुत जिम्मेवारी ही है, चढ़ाई तो वह परिवार की जिम्मेवारी तेरे ते है। तो लिखता है कि श्री चंद साहब सी पग भजवाई, श्री चंद साहब सी पग भजवाई एक पिरथिए नूं एक अर्जन नूं आई, मरने की पग पिरथिए बधी, गुरियाई की पग
अर्जन लद्दी। हुण इह स्पष्ट सी कि बाबा श्री चंद किस नूं गुरु दा थापड़ा दे रहे ने, ते बाबा श्री चंद परिवार दे विच गुरु परिवार दे विच बजुर्ग होण करके वड्डे होण करके किस दे उत्ते किस गुरु साहिबान दे दे गुरु गद्दी दी प्रोढ़ता कर रहे ने, इह गवाही साढ़े सामने है। मतलब कि इत्थों इह पता लगदा कि उदासी संपर्दा दी ते प्रमुख सिख जिहड़ी मेन ट्रडिशन चली आ रही है उहदे विच लगातार आपस दे विच किते ना किते कट्ठे मिलके चलण दी इह जिहड़ी होड़ जां इह भावना बनी पई है, बनी रहिंदी है। ते कुछ समय बाद 20वीं सदी दे विच कुछ इस तरह दीआं गल्लां होईआं जिहदे नाल उदासियां नूं, निर्मलियां नूं ते ईवन दे सेवा मंथियां नूं वी कुछ दूरी ते कर दित्ता गया जां दूर हो गईआं। उस नाल संबंधित मैं कुछ गल्लां लिखीआं ने, उह गल्लां हाले तुहाडे तक नहीं आउणीआं क्योंकि मैं महापुरखां नूं दित्तीआं ने, उह ते होर विस्तार दी लोड़ है। ये पढ़नगे ते जिस तरह सुझा देणगे उस नूं एलैबोरेट कीता जाएगा। ते इहदे नाल ही साडे सामने सेवा पंथी ने, सेवा पंथियां दे विच भाई कन्हैया जी की कंट्रीब्यूशन किसे तों लुकी हुई नहीं है। भाई कन्हैया जी वह व्यक्ति ने जिन्होंने गुरु आग्या मनी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहता आनंदपुर साहब के खालसा शस्त्रधारी हो जाए, भाई कन्हैया जी ने तेगा धारण कर लिया। किसी सिख ने पूछा कि तुसीं तेगा धारण किया है तो तुसीं किहनूं मारोगे, क्योंकि तुहाडे सुभाअ दे विच लड़ाई झगड़ा लिखे ही नहीं है, तुहानूं अज तक ही सेवा करदे देखिया है। तो वह कहन लगे कि जिहड़ा मैनूं मारन आएगा मैं उहनूं कहांगा तू अपना तेगा खराब ना कर, तू मेरे तेगे नाल मैनूं मार दे। जदों अगर गुरु साहब कोल पुजी तो गुरु साहब ने भाई कन्हैया जी नूं आदेश दिता कि तुसीं उही कार्ज करना है जिस दा आदेश तुहानूं नौवें पातशाह ने दिता सी। मतलब इस तरह की जिहड़ी है, फिर लगातार भाई कन्हैया जी कंट्रीब्यूशन जानते हैं। अज दा विशा मेरा नहीं है कि मैं उस कंट्रीब्यूशन नूं हाईलाइट करा, मैं जो ये जो गल मैं इत्थे कहनी चाहुंदा अज कि तिन्ने संपर्दावां दे विचों सेवा पंथियां दे जिवें जिहड़ी है लंगर की सेवा का कार्ज दे विच बड़ा वडमुला योगदान पाया है, तो उदासी संपर्दावां ने प्रचार के खेत्र दे विच बड़ा वड्डा योगदान पाया गुरमत प्रचार के जिहड़ा इन्हां ने उन्हां इलाकों तक चले गए उदासी संपर्दा नाल संबंधित जिहड़े साधु सी जिथे मौजूदा समय के सिख प्रचारक नहीं पहुँच सकते। डॉक्टर गंडा सिंह एक महीना अफगानिस्तान के रहे, अफगानिस्तान के डॉक्टर गंडा सिंह जी ने जो खोजा कीतियां एक महीने के साढ़े सामने आईया, वो कहें कि जिन्या भी धर्मशालावान बनिया ने अफगानिस्तान के सारिया उदासियां दिया ने, तो उन्होंने डेरिया सिर्फ तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब के उतारे मिले ने। तो एक खोज उन्होंने जी की वह सी कि रूस के लैनिन कार्ड नाँ के जगह के उत्ते उदासियां का एक डेरा है, उस डेरे के जिहड़े चीज़ां मिलिया ने उही ने सारिया जिहड़िया कि सिख धर्म के जिहड़ियां सिख परंपरावां दे विचों आईया चीज़ां नाल मेल खांदियां ने। मतलब इसतों यह पता लगता है कि उदासी संपर्दाय नाल संबंधित साधु ने जिहड़े वह किस किस जगह तक पहुँच के प्रचार कर रहे हैं। उदासी संपर्दाय नाल संबंधित प्रचार की एक मिसाल मैं तुहाडे सामने जिहड़ी है रखनी चाहुंदा, मथुरा जाण दा मौका मिलिया। मथुरा ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली तों लगभग 150 किलोमीटर है। मैं उस संबंध में लिखा भी सी, उत्थे गुरु तेग बहादुर साहब का गुरद्वारा है, गऊघाट गुरुद्वारा गऊघाट मथुरा दे विच। भाई कान सिंह नाभा ने यह दस्या कि वह गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब नाल संबंध रखता है। मैं उस गुरुद्वारे की खोज करता करता वह मथुरा चला गया, उत्थे जाके ये पता लोकेशन लिखी हुई है कि कंस टीले के नाल है, जो तो लभ्या किसी ने दस्या नहीं कि गुरुद्वारा है इत्थे। तो एक पंडित सन उत्थों दे ही उन्हां नाल मुलाकात हुई तो वह कहन लगे कि मैं दसदा तुहानूं गुरुद्वारा कित्थे है। वह कहिंदे जिहड़ा सामने कमरा है इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश हुंदा सी, इत्थे उदासी संत लगातार प्रकाश भी करदे सन ते इत्थे भंडारा भी हुंदा सी, ते साल च इक वारी भंडारा हुंदा सी ते जिहदे विच दूरों दूरों सिख संगत आ के जुड़दी सी। मैं उस दी विस्तार तुहाडे कोल नहीं करनी है, सिर्फ इन्ना ही दसना कि वह जगह अज भी उदासी संत दे कोल ही है, ते उस जगह नूं साडे कोल उदासी महापुरख बैठे ने, उस जगह नूं जे संभाल लिया जावे तां वह बड़ी वड्डी इक कंट्रीब्यूशन भी हो सकती है कि वह जगह जिहड़ी उदासी संतां दे कोल है, उदासियां दे कोल है, उस जगह नूं संभाल के उत्थे लगातार जिवें लोकां ने दस्या कि इत्थे हुण भंडारा बंद हो गया जी, भंडारा चालू होना चाहिए, सिख आउंदे ने फोटोआं खिच के चले जाते हैं, फोटोआं उस तों इलावा होर कोई काम नहीं करते हैं। एड्डी वड्डी अमीर कौम होवे ते गुरु साहिबान दे स्थानां दी हालत साडे दी इह बण जाए ते असीं सिर्फ उत्थे उहनां स्थानां दी पैसा लाउणा माण महसूस करिए जिथे आमदन ज़्यादा आ रही है, इह बड़ी माड़ी गल है साडे सारिआं लई।
हुण माला शब्द साडे सारयां दे मन विच पता है कि माला किहनूं कहिंदे आ, सारे जाणदे माला की हुंदी है। ते सानू मन च ख्याल आ सकदा है कि भगत कबीर जी माला जपदे होणगे, ते भगत कबीर जी अपनी बाणी दे विच ही उह इसदा खुलासा करदे ने कि मैं किहड़ी माला दी गल करदे आ। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, कि रसना उपर राम जिहड़ा है इह मेरी जिहड़ी सिमरनी है। इस तरह ना गुरबाणी की व्याख्या गुरबाणी के मिल जाती है। तो जदों गुरु अर्जन देव जी के समय सिख बाणी पढ़ते सन, समझते सन, गुरु साहब के नेड़े सन, तां वी कुछ सिखां ने बेनती कर दी एक दिन कि गुरु साहब सानू गुरबाणी समझ नहीं आउंदी, असी साडे च बहुत सारे ऐसे मनुख ने जिहड़े बहुत सीधी साधी बिरती के व्यक्ति ने जिन्हां नू सीधे तौर पर पढ़ के बाणी समझ नहीं आउंदी, ते कृपा करके कृपा करो कि सानू बाणी के अर्थ समझ आउण, किसे सिख की यह जिम्मेवारी लाओ कि सानू गुरबाणी का अर्थ समझाया करे। गुरु साहब कहन लगे कि यह संभव नहीं है, इस करके संभव नहीं क्योंकि बाणी ज्यों ज्यों सिख पढ़नगे उन्हां दा टीका सिखां दी रसना दे उत्ते लिखा जाएगा, सिखां दी रसना दे उत्ते टीका लिखा जाएगा। ज्यों ज्यों सिख बाणी पढ़नगे अपने आप ही उन्हां नूं ज्ञान हुंदा जाएगा। सिखां ने फिर बेनती की कि गुरु जी बहुत सारे सिख ऐसे ने जिहड़े बाणी भी नहीं पढ़ सकते, वह की करनगे, उन्हां दा भी कुछ प्रबंध करोगे, वह भी गुरबाणी समझ सकन। फिर भाई गुरदास जी की जिम्मेवारी लाई गई कि तुसीं गुरबाणी की व्याख्या करनी है भाई गुरदास जी की, तो भाई गुरदास जी ने गुरबाणी की व्याख्या का काम जिहड़ा वह किया, तो सीना पसीना साढ़े तक चलता रहा। बहुत सारा काम ऐसा जिहड़ा लिखती फॉर्म के भी है साढ़े कोल, तो बहुत सारा कार्य ऐसा भी है जिहड़ा कि सीना पसीना भी चलता रहा, तो जिहड़ा सीना पसीना चलता रहा उहदे विच फायदा भी हुंदा है ते कई बार नुकसान भी हो जाता है। सीना पसीना चलती जिहड़ी गल, फायदा यह हुंदा है कि साडी परंपरा बनी रहिंदी है कि किहड़े महापुरख किस तरह बाणी का उच्चारण करते सन, किहड़े लफ्ज़ वधेरे वरतते सन, किहड़ियां गल्लां ते ज़्यादा जोर दिंदे सन, ये सानू फायदा हुंदा कि परंपरा मूल रूप दे विच उरी आ रही है साडे कोल फिजिकल फॉर्म दे विच। नुकसान यह हुंदा है कि जिहड़ी गल किसी कथाकार नूं, कथावाचक नूं, जां अध्यापक नूं, किसी गुरु नूं, किसी विद्वान नूं जिहड़ी भुल गई उह तां चेलिआं तां किवें जाएगी, उह परंपरा दे विच किवें आएगी। तो इस करके ये सारे काश कार्य का एक लिखती रूप भी तैयार किया जाण लग्गिआ। हुण गुरबाणी काव्य दे विच है, काव्य दी गल छेती किते समझ नहीं आउंदी लोकां नूं, फिर की करदे ने हुण फिर उस तों बाद की होइआ कि इहदा वार्तक रूप आउण लग्गिआ साडे सामणे, कि गुरबाणी नूं वार्तक रूप दे विच लोकां तक लिया जावे तां कि लोकी गुरबाणी दी भावना तों जिहड़ा है उह लाहा लै सकण। फिर इह होइआ कि गुरबाणी दी जिहड़ी व्याख्या है इहदे इहनूं अग्गे चलाउण लई किहड़ी विधि अपनाई जावे, किस तरह नाल बाणी की व्याख्या अगे चले, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे ने जिहड़े समा पा के साडे जिहड़े जिहन दे विच्चों, साडी परंपरा दे विच्चों, साडी बोलचाल दी बोली दे विच्चों बाहर निकल गए ने। जिवें गुरु साहब दे समय फारसी जिहड़ी है स्टेट लैंग्वेज सी, फारसी पढ़ी जांदी सी, पढ़ाई जांदी सी, ते उस तों इलावा अंग्रेज़ आए ते उन्होंने अंग्रेजी वाल मुहावरा कर दिता लोगों का, ते हुण भी लोगों का मुहावरा वधेरे अंग्रेजी वाला ही है। ते जिहड़ी मूल शब्दावली गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदी है, जिहड़ी गुरु साहब ने परशियन दे विच्चों लई है, संस्कृत दे विच्चों लई है, वह शब्दावली दे अर्थ समझ नहीं आउंदे हन। तो इस करके ये लोड़ बनी रहिंदी है कि उन्हां अर्थां नूं खोल के संगत तक ले आया जाए, उन्हां अर्थां नूं अगे लोगों तक लिजाया जाए, ता कि जिहड़े वख-वख भाषावां दे शब्द ने मिलदे गुरबाणी दे विच उन्हां तों लोगों नूं जाणू करवा के गुरबाणी की सही भावना का जिहड़ा है प्रगटावा किया जाए। तो लगातार साडियां सिख जिहड़ियां संप्रदावां ने इन्हां ने यतन किया कि उस बाणी नूं जिहड़ी गुरु साहिबान की बाणी है उस नूं लगातार अगे लिजाया जाए, तो उन्होंने अर्थ जिहड़े इन्हां लोगों तक लिजाए जाण, जिन्हां लोगों जिहड़े शब्द लोग मानसिकता दे विच गुम हो चुके ने। तो बड़ा वड्डा योगदान है इन्हां संप्रदावां दा गुरबाणी की व्याख्या नूं अगे तोरन दा, अगे लिजाण दा। पंडित तारा सिंह नरोत्तम ने, उस तों बाद होर साडे कोल बहुत सारे ज्ञानी स्वामी आनंदगढ़ ने जिन्होंने गुरबाणी व्याख्या दे विच बड़ा वड्डा योगदान पाया है। तो इन्हां दी कंट्रीब्यूशन दे विच वह जिहड़ी व्याख्या होई है तो उस व्याख्या ही सीना पसीना लोगों तक अगे चलती रही है, डेरिया दे विच चलती रही, डेरिया दे विचों लिखण दे लिखती रूप दे विच भी साढ़े सामने आई है। इतों तक कि महाराजा महेंद्र सिंह ने एक बारी ये पुछया कि भाई दसो ये गुरबाणी दे अर्थ की ने, इस तुक दे अर्थ की ने। तां महाराजा महेंद्र सिंह नूं किसी ने अर्थ नहीं दसे, ग्रंथी नूं पुछया कि की अर्थ ने इस तुक दे, वो अर्थ नहीं दस सकया। उन्होंने पंडित तारा सिंह जी नूं कहा कि तुसीं इधर करो कि गुरबाणी दे अर्थ लोगों तक लिजाण का प्रबंध करो, तो
पंडित तारा सिंह जी ने दे एक पंक्ति मैं पढ़ के एक सेंटेंस पढ़ के मैं अपनी गल नूं समाप्ति देवांगा विराम देंगा। पंडित तारा सिंह द्रोतम ने जिहड़े उन्होंने कहा कि एक ज्ञानी जी सन, उन्होंने कहा कि ज्ञानी संपर्दा दे विच अर्थां दी परंपरा चल रही है, तो उत्थों ज्ञानी जी तो यह अर्थ पुछ के आओ कि इन्हां दे उत्ते इन्हां पंक्तियां दे की अर्थ होणगे, तो लगातार उत्थे जाके अध्ययन करो उन्हां पंक्तियां दा गुरबाणी दा जिहड़ी उस परंपरा दे विच चल रही है। तो 25 रुपये महीना उस व्यक्ति नूं मिलदे सन, उस ज्ञानी जी नूं मिलदे सन जिहड़े उत्थे जाके वह अध्ययन करदे सन, तो खर्चे 27 दस्ते कागजां दे तैयार हो गए उस व्याख्या दे विच्चों। उस 27 दस्तियां दे विच्चों पंडित तारा सिंह नरोत्तम ने बसंत राग तक जिहड़ा है टीका कीता है विस्तार पूर्वक, तो हुण वह हौली हौली यह होया कि जिहड़े 27 दस्ते तैयार किए गए सी वह हौली हौली गुम हो गए, तो श्री राग का एक टीका जिहड़ा है पंडित तारा सिंह नरोत्तम जी का मौजूद है, मिलता है, तो इस तों बाद वाले जिहड़े टीके वह नहीं मिलते हैं। इस तरह होर भी बहुत सारा साहित्य है जिहड़ा कि सानू मूल परंपरा के नाल जोड़ता, गुरु ग्रंथ साहब की व्याख्या जोड़ता है, वह साहित्य द्वारा लभ्या जाने की लोड़ है, वह साहित्य द्वारा रसाई करने की लोड़ है, तो जिते कि भी पोथियां मिलन सानू वह पोथियां तक जाने की लोड़ है। इन विचार ही इन बेनतियों के नाल ही जी है भुल चुक खिमा करनी, तो इस संबंध संत बाबा जवद्दी सिंह जवद्दी बाबा सुच्चा सिंह जवद्दी वाले का उन्हों की संपर्दा जेड़े टकसाल विशेष रूप के धन्यवाद है जिन्होंने इन तिना संपर्दावान एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठे करके अपनी गल करन दा मौका दिता है। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।